बोल रही हैं? परीक्षा तो हमारे शिक्षा मंत्री जी का होना चाहिए कि जो शिक्षा मंत्री भी बने हैं तो वो हम शिक्षकों के लिए योग्य हैं कि नहीं है, हम बच्चों के लिए योग्य हैं कि नहीं, इसके लिए हमारी परीक्षा होगी। लेकिन हमारे जो पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। जितने भी लोग सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो सारे विभाग में सब पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, क्या उन लोगों को भी 10 साल 20 साल के बाद कोई परीक्षा होती है बीपीएससी? तो हम लोग क्या बीपीएससी परीक्षा देंगे? हम लोग का अपना वेतन मान चाहिए, हमें समान काम समान वेतन चाहिए। हम लोग बुढ़ारी में अब कहाँ जाएंगे? हम लोग का पेंशन चाहिए, हमारी पूरी मांग होनी चाहिए जो हम लोग लीक कर दिए हैं। बिहार सरकार के खिलाफ जो सरकारी शिक्षक है, देख सकते हैं कि किस तरह से अपना मोर्चा खोल दिए हैं। और यहाँ पे सासाराम जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के ये लोग कैंपस में आ गए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। और देख सकते दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि तमाम प्रखंड क्षेत्र के यहाँ पे जो शिक्षिका है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार सरकार के खिलाफ इन लोगों के द्वारा मोर्चा खोला गया है। कहाँ आप लोग यहाँ पर क्यों पहुंची हुई है? हम लोग का अपना वेतन मान चाहिए जी, हमें समान काम समान वेतन चाहिए। हम लोग बुढ़ारी में अब कहाँ जाएंगे? हम लोग का पेंशन चाहिए, हमारी पूरी मांग होनी चाहिए जी जो हम लोग लीक कर दिए हैं। क्या लगता है, बात आपकी सरकार मानेगी, यहाँ के अधिकारी मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, हम लोग तो चाहते हैं, जो मांग रखे हैं तो मानेंगे क्यों नहीं। हम लोग से सोच रहे हैं कि मानेंगे, सरकार को ऐसा करना चाहिए, मानना चाहिए। कड़कती धूप में देख सकते हैं कि तमाम शिक्षिका यहां पर पहुंची हुई है और काफी शिक्षिकाओं में आक्रोश है सरकार के खिलाफ और ये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। क्या कहेंगे यहां पर पहुंची हुई है आप? देखिए, हमारा आज का जो विरोध है ये बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ है। सरकार बीपीएससी परीक्षा ले रही है लेकिन वेतन मान हमारा उससे भी कम वेतन दे रही है सरकार। हम बीपीएससी परीक्षा देने के लिए उसी शर्त पर तैयार है, जब पुराना वेतन मान दे, पुराना पेंशन दे, तब हम बीपीएससी परीक्षा देने के लिए तैयार है। ऐसा क्या, हम लोग कई बार दक्षता दिए, पात्रता दिए, प्रशिक्षण करके आए, मतलब 2 साल प्रशिक्षण किए, उसके बाद 30 साल का अनुभव, 20 साल का अनुभव, क्या इसका कोई वैल्यू नहीं? बीपीएससी परीक्षा दे देंगे तो इससे हम ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगे और ज्यादा बच्चों को पढ़ा लेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए हृदय में जुनून होना चाहिए, टीचर को बच्चों के प्रति एक ममता होनी चाहिए, ना कि हम बहुत ज्यादा क्वालिफाइड कर देंगे परीक्षा तो इससे हमारे बच्चे तेज हो जाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि सरकार आप लोगों के खिलाफ सौतेला व्यवहार कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। मान लीजिए कि नए टीचर के लिए वो कह रही है कि 7वें चरण में हम बीपीएससी परीक्षा लेकर बहाली करेंगे, तो ये तो जो स्टेट पास की है उनके प्रति भी अन्याय है और जो पुराने टीचर है उनके प्रति भी अन्याय है। सरकार तो किसी का भी सगा नहीं है, सबके लिए अन्याय कर रही है, फिर उस परीक्षा का क्या मतलब रह जाएगा? क्या बोल रही है, इधर आइए, क्या बोल रही थी आप बताइए। आज धरना में आक्रोश पूर्ण धरना के लिए हम लोग अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आए हैं। सरकार की जो नए शिक्षा नियमावली की नीति है वो एक तुगलकी फरमान है। हम लोग आज 17 साल से 20 साल से कार्यरत हैं और आज सरकार नई नियमावली लाकर हम लोग का परीक्षा के लिए धमका रही है, पहले परीक्षा दीजिए। हम लोग सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो सारे विभाग में सब पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, क्या उन लोगों को भी 10 साल 20 साल के बाद कोई परीक्षा होती है बीपीएससी? तो हम लोग क्यों बीपीएससी परीक्षा देंगे? हम लोग अनुभव रखते हैं और अपना जो भी मापदंड होता है एक शिक्षक के लिए वो सारे मापदंड को हम लोग पूरा करते हैं और सरकार का हम लोग की फरमान मानने वाले नहीं है। हम लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगी हम लोग मोर्चा खोलते रहेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग में कितना दम है, सरकार को झुका देंगे। सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए जी, हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कैसे दीजिएगा? 2024 और 25 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जी, चुनाव में हम लोग उसको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। और जो तेजस्वी सरकार का जो फरमान था कि नहीं हम आते ही नियोजित शिक्षकों को वेतनमान कर देंगे, उस वादा के खिलाफ ही हम लोग मोर्चा खोले हैं और खोलते रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। क्या बोल रही है? परीक्षा तो हमारे शिक्षा मंत्री जी का होना चाहिए कि जो शिक्षा मंत्री भी बने हैं तो वो हम शिक्षकों के लिए योग्य हैं कि नहीं है, हम बच्चों के लिए योग्य हैं कि नहीं, इसके लिए हमारी परीक्षा होगी। लेकिन हमारे जो पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। जितने भी नेता मंत्री बने हुए हैं सबकी परीक्षा होनी चाहिए कि वो योग्य हैं कि नहीं हमारे देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, फिर हम सहज रूप से परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। एक दम होता है शिक्षकों में, एक पावर होता है, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के शिक्षिकाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। खास तौर पे जो महागठबंधन की सरकार है उस पर लगातार जिस तरह से यहाँ के तमाम शिक्षक और शिक्षिका हैं लगातार हमला पे हमला कर रही है और लगातार कर रही है कि 2024 और 25 आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम